मैकेनिकल इरिगेशन डिवीजन अनंतनाग में सीजनल बेस पर काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। मजदूर तनख्वाह में इजाफे और बकायजात की अदायगी का मुतालबा कर रहे हैं। अपने मुतालबात को लेकर मजदूरों ने आज डिपार्टमेंट डिवीजनल ऑफिस के बाहर पुरजोर एहतजाज किया। मुजाहिरीन के मुताबिक काम के बदले उन्हें 9,600 रुपये मिलते हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई है। बता दें कि इस डिवीजन में तकरीबन 250 मजदूर सीजनल लेबर के तौर पर काम करते हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते वो काम पर नहीं लौटेंगे। पूरा होने चाहिए, हमारी कंट्रेक्शन होनी चाहिए, और दूसरा डिमांड यह है कि जो पेंडिंग वेजेस है हमारी यहाँ इस दफ्तर में वो हमको मिलने चाहिए, और तीसरी डिमांड यह है हमारी जो यहाँ हमारा रिकॉर्ड है 2005 से 24 तक वो सब निकलना चाहिए, वो आप अपने आंखों से देखना चाहिए, तब हमारा हड़ताल टूटेगा। तब हम हड़ताल नहीं, ये हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक ये हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाएगी।